को रिपीट करने के बाद आप जब कचहरी में आएँ, आप किसी ऐसे वकील को फॉलो ना करें जो अग्रेशन करता है। जो अगर आप लोगों को अग्रेशन सिखाएंगे तो आप लॉयर नहीं बनेंगे। आपकी जो कंपनी है, द कंपनी यू कीप एंड द बुक यू रीड, ये आपका फ्यूचर का तयन करेगी। आपका जो फ्यूचर है उसका लैटिट्यूड क्या होगा, आप जाएंगे कहाँ तक, आप कितने ऊपर जा सकते हैं, सबसे पहले आपका एटीट्यूड होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत मैटर करती है, कोर्ट्स में भी, गुफ्तगू में भी, कन्विंस करने में भी, और बाकी हालात तो वाकयात में भी। ये चीज़ें अगर हम इम्प्रूव नहीं करें, ये ऑब्लिगेशन है हम पे। जब हम एक प्रोफेशन में इंटर हो गए हैं तो उस प्रोफेशन की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें अडॉप्ट करनी है। अगर हम वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास लाइसेंस तो रहेगा, लेकिन हम अपने आप को वकील कहलाने में कभी किसी न किसी जगह पर हिचकिचाहट ज़रूर फील करेंगे कि यार हमारा रवैया ठीक नहीं था। अब देखें, एक अगर कोई वकील गुस्से में आ जाता है तो क्यों आता है? डिप्रेशन है। डिप्रेशन की कई वजूहत हैं, लेकिन हमें नहीं आना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। आपको दोस्तों के साथ भी डीलिंग ऐसी करनी चाहिए, और ये डीलिंग फैमिली के साथ भी इसी तरह होगी, आपकी लाइफ भी खूबसूरत गुजरेगी। इस पर अब आपको दो तीन सजेशंस मैं दूंगा। एक तो आप घर पे जाके लीगल एथिक्स पे, हमने पहले भी यहाँ पे लेक्चर दिया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, उसको एक दफ़ा सुने। हमने उस पर रिसर्च करके वो लीगल एथिक्स पे दिया है। पंजाब बार काउंसिल का भी लीगल एथिक्स पे एक लेक्चर पढ़ा है, अहमद कयूम साहब का, आप उसको भी पढ़ें। इन सब को पढ़ के अपने अंदर एक एम्बेडेड करें कि ये एक नई चीज़ है, हमें अंदर लानी चाहिए। हमें, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी नर्चरिंग होती ही नहीं है। यहाँ हम आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन बच्चों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इनको ग्रुप नहीं बनाने चाहिए। ग्रुप बनाते हैं तो इनकी एक मोहब्बत और नफ़रत शुरू हो जाती है। आपको 5-6 साल माँ सिवाय मेहनत के कुछ भी नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ वकील बने। वकील बनने के बाद आपकी एक राय बनती है, किसी को पसंद करें, किसी को नापसंद करें, किसी के साथ चलें, किसी के साथ ना चलें, वो हर एक का एक रवैया होता है। हर इंसान, आप यहाँ अगर 10 लोग बैठे हैं ना, तो 10 के 10 आज की गुफ्तगू में से मुख्तलिफ मीनिंग लेके जाएंगे। हर एक का एक जैसा नहीं होगा, हर एक का एक जैसा पैराडाइम भी नहीं है, उसके समझने के फंडामेंटल भी नहीं है, उसकी फैकल्टी भी नहीं है। उसकी फैकल्टी में भी फ़र्क है, उसकी सोशल लाइफ में फ़र्क है, उसकी कल्चरल, स्पिरिचुअल, उसकी हेल्थ, हर चीज़ में फ़र्क है। तो इसलिए हर एक मुख्तलिफ समझेगा, अपनी अपनी तरीके से आप समझें। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हमें पॉजिटिव रहना है। हम पॉजिटिविटी जो है ना, वो हमें हमारी सिविलाइजेशन, हमारी तरबियत के बाद आती है। हम बेसिकली नेगेटिव हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। आप देखें, नेगेटिविटी आती ही बहुत ज़्यादा है। इसको आपने कल्चर्ड होने के लिए, वकील बनने के लिए आपने इस पर मेहनत करनी है, अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपने आप को बेहतर इंसान साबित करना है। अब मैं ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने इस तरह अर्ज करूँगा, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि आप ये वर्बेटम आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। इस पर आपने एक दफ़ा लेक्चर सुनना है। अब मैं यहाँ इसलिए ये नहीं लगा रहा कि वो लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हैं, मैं आपको लिंक भी भेज दूँगा, और आप लोगों का एक हम बनाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप भी। आप कोई क्वेरी हो, आपके पास अगर कोई दरख्वास्त आई है, किसी महल्ले की आई है, किसी दोस्त ने दी है, तो आप किसी वक्त रात के किसी लम्हे भी हमसे पूछ सकते हैं कि इसकी लीगल क्या हैसियत है, हमें इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, हमें इसको गाइड करें। हम सब दोस्त आपको गाइड करेंगे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। इल्म हमसे बहुत आगे है, समुंदर है, हम उसमें कुछ भी नहीं है, पीनट हैं ना। हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि कुछ वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपके पास एक बेस हो, उससे आगे आप चलें, आप आगे लेके चलें। जो लीगल एथिक्स हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चैप्टर है वो लीगल एथिक्स का आपने शायद पढ़ा है, या अगर कुछ ने नहीं पढ़ा तो वो है कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट। ये आपने हर एक ने पढ़ना। इसके 134 से लेकर, ये मैंने अपने लेक्चर में भी हर एक चीज़ बताई है, इसके साथ रेलिवेंट चीज़ें भी बताई हैं। इसको एक से शुरू करके 166 तक मसलन फ़र्द कर ले कि पहला है क्या, 134 है क्या। वकालत के पेशा वराना तर्ज अमल और आदाब के असूल बताए गए हैं कि इसके असल आदाब क्या हैं, इसके असूल क्या हैं। हमें आदाब पे भी तवज्जो देनी है, हमें असूल पे भी तवज्जो देनी है। हमारे जो वर्ड हैं, इंटरनेशनली जो साइकाट्रिस्ट हैं वो कहते हैं हमारे वर्ड्स का जो तल्लक है वो किसी को कन्विंस करने में ज़्यादा से ज़्यादा 7% है।
उसके साथ हमारे एटीट्यूड का तलक बहुत ज़्यादा है कि हम किस तरह आपके साथ आपकी आंखों में आंखें कैसे मिला रहे हैं, आपको हम अब हमारा रिस्पांस कैसा है, हम आपको रिस्पेक्ट और वो किस तरह कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई छोटे इंसान बन रहे हैं। इंसान बड़ा बनता भी तब है जब किसी की रिस्पेक्ट करता है, और आप ये समझे कि कोई हमें रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट देगा तो वो प्रोफेशन एंड रिस्पेक्ट आपने देनी है। दूसरों से तवक्को रख के देंगे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये लालची होगा। पहला असूल ये है कि आपने अपने तर्ज अमल और आदाब को सबसे ज़्यादा बेहतर वर्क कर रहे हैं और इसको सीख रहे हैं। इस पर सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ें, इस पर लीगल एथिक्स पढ़ें, इस पर कैनन ऑफ प्रोफेशन को पढ़ें, अपने सीनियर को ऑब्ज़र्व करें, अपने जूनियर्स के साथ आपके साथ जो अच्छा रवैया रखते हैं उनको ऑब्ज़र्व करके उनको इम्प्रूव करें। और पहला रूल ये है कि हर वकील का फ़र्ज है कि वकार और बुलंदी को हर वक्त बरकरार रखे। वकार आपकी डिग्निटी है, आपका वकार है, आपकी गुफ्तगू में वकार होना चाहिए, आपकी चाल में वकार होना चाहिए, आपके कोर्ट में पेश होने में वकार होना चाहिए, आपकी हर बात करने में एक डिग्निटी, एक इमेज हाई होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए? कि आप एक प्रोफेशन में आ गए हैं, एक दायरे में आ गए हैं, इस दायरे में होते हुए आप पे ये फ़र्ज बनता है कि आप इस प्रोफेशन की डिग्निटी के मुस्तकिल तौर पे रखवा लें। अगर प्रोफेशन को किसी एक वकील को कोई कहता है कि ये बुरा है तो ओवरऑल प्रोफेशन पे ये फ़र्क पड़ता है, वो स्टिग्मा होता है। लेकिन लोग सिंगल आउट करते ही नहीं हैं, वो किसी एक को लेते ही नहीं हैं, वो पूरे प्रोफेशन को लेते हैं। आपका अच्छा रवैया पूरे प्रोफेशन के लिए पोर्ट्रे करेगा, पूरे प्रोफेशन को बेहतर करेगा, और पूरे प्रोफेशन के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा प्रोफेशन यही है, इससे बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। और आपने अपने पेशे के साथ साथ वकार को बुलंद करने के साथ साथ आपने किसी इश्तिहार के ज़रिए अपनी प्रमोशन नहीं करनी, या किसी भी ऐसे तरीके से अपने आप को या इशात के ज़रिए नहीं प्रमोट करना। प्रमोट करना है अपने रवैये के साथ, अपने तर्ज अमल के साथ, अपने फैक्ट्स को जानने के साथ, अपने कानून को जानने के साथ, अपनी कोर्ट में प्रेजेंस के साथ, इन चीज़ों के साथ अपने आप को अपहोल्ड करना है। सोसाइटी में जहाँ हैं अब एक लेवल ये आ गया है कि हमें मोहल्ले में अगर कोई वकील हो तो वो सारे ये कहते हैं कि यार वकील रहता है सारा मोहल्ला एक थ्रेटन फील करता है। क्यों थ्रेटन फील करे? आपको बेहतरीन दोस्त फील करे, आपको बेहतरीन इंसान फील करे, आपको बहुत बहुत आप पे ट्रस्ट करे ताकि आपके प्रोफेशन के लिए आप लोगों के पास आएँ, आप लोग फ्रेंडली उनके साथ डील करें। हम जहाँ भी रहें वहाँ अगर हमारा अग्रेशन होगा, हॉस्टेलिटी होगी, तो लोग हमारे बारे एक राय कायम करेंगे, और वो जो राय होगी वो भी आपको पता है उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। टाइम है, बहुत बड़ा टाइम लगता है आपके करेक्टर को बिल्ड करने के लिए, आपकी हैबिट्स को डिवेलप करने के लिए। ये हम नहीं चेंज कर सकते, ये हमारे ये लेक्चर भी चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपको सेंसिटाइज कर सकते हैं, इसमें सेल्फ चेंज लाने की ज़रूरत होगी। अपने आप के में अंदर, अपने आप के अंदर चेंज लाएंगे, अपने आप को बेहतर इंसान करेंगे। ये सारी ज़िंदगी पढ़ना है। अगर सारी ज़िंदगी ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि कमी कहीं ना कहीं रह जाएगी। आम पेशावराना जो कार्ड हैं, आपके नाम की प्लेट्स हैं, आपकी रिवायती फहरिस्त है, जब तक इसमें मौजूद मालूमात पेशावराना और तालीमी काबिलियत तक महदूद है, वो आप अपने दफातर के सामने लगा सकते हैं कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आप पेशावराना वकील हैं, ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अपना कोई नहीं लगा सकते। कोई बैनर भी हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर में बता दिए गए हैं कि हम एक बैनर इतना बड़ा लगा दें, इस पूरी दीवार से भी बड़ा हो, तो ये मैं परमिट नहीं करता। लग जाता है आपको कोई एतराज़ भी नहीं करेगा, बल्कि आपका कोई चीज़ गलत भी लगी हो तो सोसाइटी में लोग एक थ्रेटन फील करते हैं, आपको रोकेगा भी कोई नहीं, कंडेम भी कोई नहीं करेगा। लेकिन ये सेल्फ इम्पोज करें अपने आप पर कि हम नहीं, हम वकील हैं, और वकील अल्लाह ताला का नाम है, बहुत बावकार नाम है, इससे बड़ा नाम कोई नहीं है। इसको हमने लेके जो नए एंट्रेंस आ रहे हैं ना, हमने इस प्रोफेशन को अपहोल्ड करना है, इसकी डिग्निटी को, इसके इमेज को, इसको और ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। इसी तरह इसका प्रोफेशन का आगे ये 134-35 है, कोई वकील दूसरे शख्स को पेशावर तलब करने या हासिल करने के लिए मुलाजमत नहीं देगा। पेशावराना दरख्वास्त या असूल के लिए किसी दूसरे शख्स को मुलाजमत या मुआवजा देना, सपोज़ आप वकील किसी, वो कोई आपको वकील करता है तो आप उसमें उसको बार्गेनिंग करते हैं कि 20% आपको देंगे, 10% आपको दे देंगे, 20% आपको दे देंगे, तो ये हमारे पेशे के ख़िलाफ़ है। आपकी अपनी फ़ीस होनी है, किसी को देनी नहीं है। हाँ, उस सूरत में आप कर सकते हैं कि एक चैम्बर पर आप 10 लोग काम करते हैं, आप तकसीम कर सकते हैं, किसी की ज़िम्मे ड्राफ्टिंग लगा दें, उसका ड्राफ्टिंग का शेयर हो जाएगा,
कोई क्रॉस एग्जामिन करेगा उसको क्रॉस एग्जामिन की पेमेंट कर दें, कोई पेशियाँ लेगा उसकी कर दें, ये अपने साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वकील एक यहाँ से केस ले इस प्रोफेशन के मुताबिक, जबकि प्रैक्टिस है जिसको हमें ख़त्म करना है, कि हम अपना शेयर रख के वकील किसी और को कर देते हैं और केस को करते हैं जिससे हमें शेयर ज़्यादा मिलता है, तो उसका क्लाइंट का भी नुकसान होता है, उस पर मेहनत भी कोई नहीं करता, और हम कोशिश करते हैं कि उस वकील की जितनी बेहतरीन उसकी तारीफ़ कर सकें ताकि क्लाइंट मुतमैन हो हम उसको करते हैं, और ये हमारे प्रोफेशन में ये परमिटेड नहीं है, हमारे बार काउंसिल एक्ट में परमिशन इसकी नहीं है, और इसको भी हमें कंडेम्ड करना चाहिए किसी को देने के लिए या लेने के लिए। इसी तरह वकील किसी फरीक के साथ तनाज़े के मौजू पर बात नहीं करेगा, और किसी की गैर मौजूदगी में भी वकील वकालत नहीं करेगा। ये दो तीन चीज़ें नहीं हैं। हम अब बाज़ औक़ात अदालत में जाते हैं तो जज साहब कहते हैं आपने आर्गू कर दें, हम आर्गू कर देते हैं, लेकिन ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। एथिक्स के इसलिए ख़िलाफ़ है कि आपके अपोनेंट काउंसिल को भी होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए। अगर वो डेट लेता है कि मैंने आज एक घंटे बाद करनी है, दो घंटे बाद करनी है, तो सीनियर वकलाए अक्सर वो करके चले जाते हैं, लेकिन एथिकली ये है कि एक दूसरे के सामने, चूँकि आपने कोर्ट को असेस्ट करना है और लॉजिकली असेस्ट करना है, रैशनल के तहत असेस्ट करना है, एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ जवाब देना है, आपने प्रॉम्प्टली हर एक चीज़ को वहाँ पे बताना है, तो ये भी है कि आप एक दूसरे के सामने बहस करें और किसी भी तनाज़े के आप हिस्सा ना बने। आपने जज को करना है, मुखातिब करना है। हमारे वकील कहते हैं जी हमारे दोस्त ने ये गलत कहा है, हमारे दोस्त ने ये गलत कहा है। भाई दोस्त ने दोस्त को तो गलत नहीं ना कहना, ये हमारी जो ड्यूटी टू वर्ड हमारे कोलीग है, ये हम उसकी इंसल्ट करते हैं। कोई वकील अगर फ़र्द कर लें कोई कमज़ोर केस है, कोई केस में वीक है, कोई केस उसके केस का फैसला कुछ और हो गया है, तो फैसला तो हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में असिस्टेंस है, मेहनत है, फैक्ट्स पे मास्टरी है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, बाकी काम अदालत का है। अदालतें फैसले ठीक भी करती हैं, गलत भी करती हैं, और उनकी रेक्टिफिकेशन भी हो जाती है, आगे फैसले जाते हैं, उनका कोई खुदाई फैसला नहीं होता, आगे जाके कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर हम उस पर इमोशनल होंगे तो उसके लिए हमारी सेहत भी ख़राब होगी, हमारे तालुकात भी ख़राब होंगे, और आप देखें कि एक जज के साथ बदतमीज़ी कोई करता है तो इर्ताश आता है ना। अब मैं आपके साथ या आप मेरे साथ किसी चीज़ पे होस्टाइल हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ये आप सोच सकते हैं कि मैं काम माइंडेड हो के किसी चीज़ का फ़ैसला कर सकूँ, या आप किसी जौहर में कोई नगेट्स फेंकते हैं तो उसमें एक यकदम इर्ताश आता है, तो आपको नगेट्स मिलेगा भी नहीं जब तक उसमें काम नहीं आएगा, उसमें बिल्कुल ठहराव नहीं आएगा, ठहराव में आपको कोई चीज़ नज़र आएगी, अदरवाइज जज भी नहीं देख सकेगा, आप भी नहीं देख सकेगा, वहाँ पे ये होगा आपके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, होस्टेलिटी होगी, झगड़ा होगा, झगड़े होने के बाद आप घर चले जाएंगे, और उसके नतायज क्या निकलेंगे, नतायज यही निकलेंगे कि या तो हमारी तरबियत ठीक नहीं हुई, या हम वकील अच्छे नहीं बने, या हमने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया। तो ये चीज़ें लीगल एथिक्स के लिए इंतहाई अहम है। अगर किसी के पास नहीं होगा तो इसकी कापी बार की तरफ से भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और वकील की गैर मौजूदगी में पहले भी कहा है कि आर्गूमेंट नहीं करने चाहिए, ज़्यादा बेहतर है कि उसकी मौजूदगी में करें। अगर वो किसी वजह से नहीं आता और कोई मजबूरी है तो जज की परमिशन के साथ आप कर सकते हैं। आगे है किसी जज के साथ जो अगर ज़ेरे अल्तवा मामला है तो आप जाके उसको डिस्कस ना करें। आप अगर उसमें वकील हैं तो अपने काउंसिल के बगैर ना करें, अपना दूसरे काउंसिल अगर हैं तो उनके मामले में बिल्कुल डिस्कस कर लें। अदरवाइज भी ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि मैं जाके किसी जज को वन साइडेड बात सुना के उसको प्रेजुडिस करूँ, किसी दोस्त के ख़िलाफ़ करूँ, केस के ख़िलाफ़ करूँ। इसलिए क्योंकि केस दोनों साइडों के सुने, एक कहानी एक वकील की होती है, एक कहानी दूसरे क्लाइंट की होती है, और एक हकीकत होती है जो जज ने तलाश करनी होती है। और वो हकीकत कहाँ होती है? हकीकत उन्होंने एविडेंस देखनी है हमारी बातों से, तो हमने तो एविडेंस दिखानी है ना, उससे उन्होंने देखनी है और करनी है और आपके सामने रखनी है। इसी तरह मुवक्किल या वकील जो है ना, हम सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी चारा जोई करने के लिए होते हैं।
इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। और कानूनी चारा जो ही जो है वो जिस तरह भी हो वो हमने करनी है। खामखा हमने उसमें कहीं एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होना। केस कमज़ोर है तब भी कोई मसला नहीं है। अगर केस कमज़ोर है तब भी मुवक्किलों के दरमियान आपकी आपका झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक ये एक रूटीन के तहत फ़र्द कर लो, एक मेरे पास केस है और वो वीक है। अगर वीक केस है ना तो आप उसमें भी जज को भी विन करके आएंगे, वकील को भी विन करके आएंगे, केस आप लूज़ करके आएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि आपकी गुफ्तगू बेहतर होगी। आप जब गुफ्तगू बेहतर करेंगे तो वो इन्फ्लुएंस करेगी ह्यूमन माइंड पे। आप उस पर रिसर्च करके जाएंगे, कमज़ोर केस पे बेहतर ला पेश करेंगे, बेहतर आर्गूमेंट पेश करेंगे, बेहतर आप दूसरी तरफ से अथॉरिटी आई हैं उनको रिबट करेंगे तो उसका भी इन्फ्लुएंस होगा। अगर आपका मुखालिफ काउंसिल या जज ये समझता है कि इस इतने कमज़ोर केस को इतने अच्छे तरीके से आर्गू किया गया है, ये हमारी मेहनत है ना। वकील का एक हुस्न है कि वो कितनी खूबसूरती से कमज़ोर केस को करता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग केस होते हैं कि इंतहाई कमज़ोर वकील भी हो जाए तो उसके रिजल्ट बेलों में इधर उधर अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि किसी केस में फैक्स पे मास्टरी किए बगैर, फैक्स क्या है, टाइम क्या है, वकूआ क्या है, रोल क्या है, मोटिव क्या है, वजह क्या है, जगह क्या है, इसमें डिले क्या है, मेडिकल क्या कहता है, सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और इसको बहुत सारे वकला कहते हैं कि 5P, नए वकील को भी नहीं पुराने वकील को भी 5P का मतलब है 5 दफ़ा प्रिपरेशन करनी चाहिए। 5 दफ़ा उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ नई नज़र आएगी। हर दफ़ा आपकी फैकल्टी बेहतर होगी, आपकी कैपेसिटी बेहतर होगी, आप जज से भी ज़्यादा बेहतर जानेंगे, आप वकील दूसरे से ज़्यादा बेहतर जानेंगे। उस पर जब रिसर्च करके जाएंगे तो फिर आपके पास और ज़्यादा बेहतर नॉलेज होगा। ये हमारी ड्यूटीज़ में शामिल है। ये नहीं है कि हम आई मुंशी ने दरख्वास्त लिख के दे दी, हमने अदालत में दे दी, लिफाफे को हमने पढ़ा नहीं, अदालत में हम चले गए और जाके बहस करके आ गए। तो एक आपका इम्प्रेशन छोड़ के आना चाहिए। आप जो नए वकील हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि हर केस में उसका रिजल्ट जो भी हो आपका एक इम्प्रेशन जाना चाहिए अदालत में। आपका इम्प्रेशन वकील पे भी जाना चाहिए, क्लाइंट पे भी जाना चाहिए और दूसरे काउंसिल पे भी जाना चाहिए कि आप सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप सीनियर को ऑब्ज़र्व करें, सीनियर कैसे बेहतर करते हैं। बहुत बहुत सीनियर अच्छे हैं यहाँ पर, उनको ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करके आप देखें कि वो कितना अच्छे तरीके से आर्गू करते हैं, कितने अच्छे तरीके से ला पेश करते हैं, कितने अच्छे तरीके से वो फैक्स पेश करते हैं। अब फैक्स के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। आपकी फोटोजेनिक मेमोरी होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है, आप 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो तब होगी ना। आप अगर कागज़ यहाँ मैं रख के बैठा हूँ और आपकी आँख से आँख नहीं मिला रहा ना, तो आप यूँ समझें कि मेरा और आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो आपको कन्विंस करने में हर्डल है। आई कॉन्टैक्ट भी ज़रूरी है जज के साथ। इसलिए आप अपनी तहरीर लिखें, अपने पॉइंट बनाएँ, उन पॉइंट पर आप तैयारी करने के बाद आपकी बिल्कुल आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ आर्गूमेंट होनी चाहिए और आपको वो सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये एक स्टेज आ जाती है, जैसे आप आए हैं हम भी इसी तरह आए थे, सब ने मेहनत की। और मेहनत की स्टेज भी यही है, मैं आपको बता दूँ, जो 5-6 साल मेहनत नहीं ना करते उसके बाद एक आदत भी नहीं बनती, ना कोई पढ़ सकता है ना कोई आगे निकल सकता है, फिर मसाइल ही मसाइल होते हैं। चूँकि अपने आप को इसमें ढालना मुश्किल हो जाता है, आप एक सांचे में ढालना शुरू करें, आप पढ़ना शुरू करें। यहाँ अजीज़ आते हैं बहुत अरसा, वो ऐसे ही कोई सियासत में लगा रहा, कोई सीनियर के पीछे लगा रहा, कोई जूनियर के पीछे लगा रहा, कोई किसी और काम में लगा रहा। बेसिक प्रोफेशन ये है। और मैं आपको ये बता दूं, लीगल एथिक्स में तो ये बात ऐसी नहीं है। फ्यूचर में पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वकाला से ज़्यादा कोई नहीं पैसे कमाएगा। ये सबसे ज़्यादा पेइंग इंशाल्लाह प्रोफेशन होगा। इस पर भी आपको बताएँगे। उसकी रीज़न ये है कि आप यहाँ बैठेंगे, टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको ड्राफ्टिंग भी टेक्नोलॉजी के पे मिल जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन भी टेक्नोलॉजी पे हो जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन इतनी मिलेगी जो किसी के पास भी नहीं है। आप अगर उस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होंगे तो आपको वो भी मिलेगी। अब दुनिया में, इंडिया में लोग जो हैं स्टूडेंट जो लास्ट ईयर के हैं वो $1,000 कमा रहे हैं घर बैठे। कैसे कमा रहे हैं, तो वो लीगल सर्विसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, अपवर्क पे दे रहे हैं और सी चीज़ और चीज़ों पे दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश बेहतर करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग बेहतर करनी पड़ेगी, आपको लिसनिंग स्किल बेहतर करनी पड़ेगी। इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आप इंटरनेशनली काम कर सकेंगे।
डिस्ट्रिक्ट किसी वकील को पूरी तरह फीड कर ही नहीं सकता। आप अगर समझेंगे ना कि डिस्ट्रिक्ट में, तो आप यूं ही समझें कि ये हमारी इतनी ही कमाई होगी जितनी में आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, आपको इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ से हम जंग से हमारी कोशिश होगी कि वकला निकलें बाहर, यहाँ से बैठ के बाहर काम करें, हम इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। ये पहले हमारा जो बाहर वोकेशनल कोर्स है, इस करने के बाद वो भी करेंगे, वो सिखाएंगे, हम जो ई रोज़गार है वो सिखाएंगे, जो लीगल रोज़गार है वो सिखाएंगे। आप कंपनियाँ बनाएं, दुनिया में बैठ के काम करें। अब सबलेट करते हैं कि जी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर दें, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए इतनी आपकी ऐप्स पड़ी हैं, कोई पेड हैं, कोई अनपेड हैं, वो आप कर सकते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप हमसे बेहतर समझते हैं, चूँकि आपकी जो जनरेशन है वो हमसे बाद की जनरेशन है, आप इस इन चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपके हाथ में ये एक यूँ समझे कि दुनिया जहान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसको पॉजिटिव अगर इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसी तरह आगे जो है अब फीस कैसे तय करेंगे, ये एक है कि कोई सीनियर आ जाता है उसकी फ़ीस और होती है, कोई जूनियर आ जाता है उसकी और होती है, ये कोई सेटला नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आप देखना ये है कि केस की नौइयत क्या है। एक आम केस है, एक केस कॉम्प्लिकेटेड केस है। कोई सपोज़ कर लें कोई अकाउंट्स का केस है जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें आपको लीगल रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें आपको ड्राफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ीस तय कर सकते हैं, हज़ारों से लेकर लाखों तक। लेकिन एक स्टैंडर्ड है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये नहीं है कि आप 10 लाख फीस ले लें, 20 लाख ले लें। वो किसी मर्डर केस में या बड़ा वकील तो कोई ले सकता है, नए वकला के लिए 5-10 हज़ार अगर मिल जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनके लिए एक बहुत बड़ी इनक्रेजमेंट है। लेकिन अगर कुछ केस आपको मुफ्त भी मिलते हैं तो करने में कोई अर्ज नहीं है, चूँकि आपकी लर्निंग स्टेज है, सीखना है। सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है ना लर्निंग के लिए भी कुछ केस करें, प्रोबोनो के बेसिस पे भी करें, आपको करने चाहिए। और फीसें आप खुद तय करेंगे, यही नोवेलिटी क्या है केस की, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कितना मुश्किल है, कितनी मेरी स्टैंडिंग है, सीनियर वकील की और होगी, जूनियर की और होगी, लोग ट्रस्ट उसके मुताबिक करते हैं, तो इसलिए फ़ीस अपने तौर पर आप तय कर सकते हैं, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हम डन बेसिस पे करेंगे, वकील कह देते हैं जी आप इतनी फीस दें, हम डन बेसिस पे करेंगे, तो ये फिर दलाली बन जाती है, ये प्रोफेशनल एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपका केस बनता भी है 100% है तो आपने कहना है कि जी मैं वकालत करूँगा, मैं ये वकील जिम्मा ले ही नहीं सकता कि आपके हक में करा दूँगा। हाँ, अलबत्ता कानून भी आपकी फेवर में है, केस भी आपकी फेवर में है, लेकिन जज का कोई पता नहीं है, दूसरी तरफ से भी केस आ सकता है। और आपको हर केस ला, जितने आप केस ला लेके जाते हैं उनके एंटी केस ला का भी पता होना चाहिए, ताकि आपको उनको वहाँ पे जाके कन्फ्रंट कर सके किसी भाई को कि किसी ने एक केस ला पेश किया, किसी ने दूसरा पेश किया है। ये इब्तदाई चीज़ें आप पढ़ेंगे, बहुत थोड़े टाइम में आप बहुत बड़े वकील बन जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें, कंसिस्टेंसी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, और इसमें आपका टेम्परामेंट चाहिए पढ़ने वाला। ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं और ऐसे, ये रोज़ इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी कर लें, थोड़ी करें, ज़्यादा करें, ये आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो है इसमें जूनियर सीनियर जो है आपसे जो 2 दिन पहले आता है, जो 10 दिन पहले आता है, ये भी हमारा 143 है, लीगल बार काउंसिल प्रैक्टिशनर है, कैनन ऑफ लीगल एथिक्स में है कि सीनियर का एहतराम होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए? कि आपने भी कल सीनियर बनना है, एक रिवायत डालनी है, हमने इस पूरे प्रोफेशन को डिग्निफाई करना है। देखना ये है कि यहाँ अगर फ़र्द कर लें मैं बैठा हूँ तो मुझसे सीनियर कोई वकील आ गया है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसके लिए सीट खाली करूँ, अगर कोर्ट में नहीं है तो वहाँ भी मैं खाली करूँ, उसको पहले कुर्सी दूँ। और आप जो सीनियर हैं, आपसे जो जूनियर है उसकी भी ज़िम्मेदारी है। बहुत नहीं करते हम, हमने देखा है कि जहाँ कोई बैठा है वो वकील अपने आप को ये समझता है कि मैं तो पता नहीं मेरी ईगो डिस्टर्ब हो जाएगी, जबकि मैं ये समझता हूँ कि उसका कद काठ बढ़ता है, उसका एहतराम करने से और ज़्यादा बड़ा वकील वो बनता है, इंसान भी बड़ा बनता है। जितनी आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, आप एक जैसे हैं तो वो तो और बात है, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल,
जो सीनियर वकील आए उसके एहतराम में आपको जगह खाली करनी चाहिए। और एक और दूसरी वजह है कि वकला को कचहरी में कहीं भी बेंचों पे नहीं बैठना चाहिए, चेयर पे बैठना चाहिए। ये आप मत भूलें कि किसी अदालत में गए हैं, जगह खाली नहीं है, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चेयर नहीं है तो आप ना बैठें, बार रूम में जाके बैठ जाएं। डेस्कों ये जो पड़े होते हैं, स्टूल पड़े होते हैं, ये इन पे आपने किसी ने भी नहीं बैठना। और सीनियर जूनियर का जो एहतराम है वो उसकी सीनियरिटी के हिसाब के साथ ये हमें उसको हर सूरत ऑब्ज़र्व करना है। अगर ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोफेशन में हमने कुछ भी हिस्सा नहीं डाला। ये चीज़ें अपेरेंट हैं लेकिन ये आपको बहुत पे करेंगी। आप कोर्ट में दाखिल होते हैं ना, तो सबसे पहले कोर्ट में आपका रवैया, आपकी चाल, आपका जाना, वो कोर्ट पे इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम सीना तान के, अकड़ के और एक रौनक के साथ जा रहे हैं तो लामाला तौर पे उसका रवैये, उसका असर और होगा, आपकी हम्बलनेस का असर और होगा। आप जाकर गुफ्तगू करेंगे तो उसकी अग्रेशन और उसके कन्विंसिंग पावर में फ़र्क और होगा। इसलिए जज भी इंसान है, आपकी पावर से बहुत ज़्यादा कन्विंस होंगे। तो कहते हैं कि 80% जो है ना उसमें रोल आपका है, 20% जज का रोल है आपको रिलीफ देने में, 50% आपकी अपेयरेंस है, 50% आपकी प्रिपरेशन है, बाकी उसके बाद बचता क्या है, 20% डिस्क्रिशन है। अब 50% आपकी अपेयरेंस, आपकी गुफ्तगू, आपके हालात वाक़ात आपने ख़िलाफ़ कर लिया, 50% आपने आर्गूमेंट ठीक भी कर लिए, तो फिर 20% आपके खिलाफ ही जाएगी, ह्यूमन है। हाँ, बहुत सारे प्रोजूडियस है जजेस में, जजेस कोई आइडियल इंसान नहीं है दुनिया में, उनमें भी हम में से ही आते हैं और ये सारी चीज़ें उन पे इन्फ्लुएंस होती हैं। और आपको जज को भी जानना चाहिए, जज के टेम्परामेंट को भी जानना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल है नो द केस, कि आपको केस का पता होना चाहिए, फैक्ट्स का पता होना चाहिए, नो द लॉ, तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, कि कानून का पता होना चाहिए, हर सूरत में बेहतर पता होना चाहिए, दोनों अथॉरिटीज़ का पता होना चाहिए, और तीसरी है नो द जज, कि जज का भी पता होना चाहिए कि उसका रवैया क्या है, उसका माइंड क्या है, प्रोसिक्यूशन माइंडेड है, वो लंबी बहस सुनता है, शार्ट सुनता है, टेम्परामेंट लूज़ कर जाता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने इन्हीं हालात में अपने आप को इम्प्रूव करके उससे रिलीफ लेना है। तो इसलिए हम ये शुरू कर दें कि हमें किसी जज को ठीक करने चले गए हैं, जी उसने ये किया है वो किया है, तो उसके ठीक करने के लिए उसके फैसले को आगे हमने जाके ठीक करना है, वहाँ हमने ठीक नहीं करना। ये हम वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जो अमला नहीं है, लेकिन हमारे लीगल एथिक्स में हमें ये पढ़ानी पड़ती है, हमें करनी पड़ती हैं, हमें करनी चाहिए। इसी तरह आपका जो है अगर कोई जायदाद का केस है, ये भी उन्होंने 145 में लिखा है कि वकला हमारे कुछ ये करते हैं कि प्रॉपर्टी के केसेस हैं, उन केसेस को डन बेस पे कर लिया कि हमारा कुछ शेयर रख लें, 1%, 2%, 5% केस हम आपका लड़ेंगे, रिजल्ट जो भी हुआ तो लीगल एथिक्स के ख़िलाफ़ है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जब आपकी इंटरेस्ट इस तरह हो जाएगी कानूनी मामलात में तो आपकी वकालत डिस्टर्ब होगी, ना सिर्फ वकालत डिस्टर्ब होगी बल्कि रेपुटेशन भी डिस्टर्ब होगी। और हमें सबसे ज़्यादा ख्याल अपनी रेपुटेशन का, अपने करेक्टर का, अपने इमेज का, अपनी डिग्निटी का और पूरे इस प्रोफेशन का, सिर्फ हम एक नहीं, आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो हर वकील की इज़्ज़त एहतराम प्रोफेशन, जहाँ भी कोई बात करे जी वकील साहब ने ये बात की है, और जब वकील साहब की बात हो तो वो बात हरफ आखिर हो, इस लेवल का हमें अपना एक कंडक्ट शो करना है जो हमें शो करना चाहिए। अगर नहीं भी कर सकते तो इस पे हमें आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर ये नहीं हो सकता। इसी तरह आप एक क्लाइंट के किसी एक केस में पेश हो गए, फर्क कर लें लोअर कोर्ट में, केस कोर्ट में आपने क्लाइंट का केस कर दिया है, तो उसने वकील चेंज कर लिया है, तो आप अपील में दूसरी तरफ से नहीं पेश हो सकते। और अगर आपकी दिलचस्पी है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट है, तो उसमें भी अवॉइड करें केस में आप पेश ना हो। लेकिन हर मुवक्किल का ये राइट है कि वो अपनी चॉइस का वकील करे, अपनी चॉइस के वकील को पेश करे और वो उसकी रिप्रेजेंटेशन करे। इसमें चाहे रेप केसेस हों, चाहे मर्डर केसेस हों, इखलाकी तौर पे आप उनको अच्छा समझें या ना समझें, आपको किसी भी क्लाइंट के बारे जजमेंटल नहीं होना। अगर आप क्लाइंट के बारे जजमेंटल होंगे ना कि ये गलत है, गंदा है, या इसकी ये सूरत हाल है, आपका ये काम नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कानूनी मुआमनत करनी है, वो अदालत ने उसको देखना है कि उसका रवैया क्या है, उसका गिल्ट क्या है, उसके बारे में राय क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी हम ये पेशा गलत हमने अडाप्ट कर लिया है, जी ये ऐसे है ऐसे है,
भाई ये ऐसी बात ही नहीं है, ये पेशा जब इसमें अल वकील कह दिया है तो इससे बड़ा पेशा कोई नहीं है। और आप फाइट फॉर जस्टिस, जब इंसाफ के लिए आप लड़ेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करेंगे, तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं होगा। और सोसाइटी में भी आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होगी। आप ये समझें कि आपका हर इदारा मुल्क का खौफ ज़्यादा भी वकला से है, इसलिए है कि आप कानून पे महारत रखते हैं। आप उनके साथ अग्रेशन की बजाय आप उन्हें कानूनी तौर पे फंसा भी सकते हैं और उनको कानून के शिकंजे में आप बुला भी सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत बड़ा वेपन है कानून। लेकिन उसके लिए एक शर्त ज़रूरी है कि आप कानून को जानते तो हों, कानून को पढ़ते तो हों। हम यहाँ सिर्फ ये ना करें कि जितना अरसा आएँ हम सिर्फ कानून को भूलने के लिए आएँ। ये सारी ज़िंदगी आपको कानून पढ़ना पड़ेगा, इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, इसको डिस्कस करनी पड़ेगी। इसको आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने आप को इंतहाई नालायक समझते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। चूँकि हम बार प्रेसिडेंट हैं, हमें उन्होंने हुक्म दिया है कि आप ये नहीं करेंगे कि आप तो सस्पेंड कर देंगे। मैं कहूँगा आसिफ आपको दे, जुएब दे, और जो यहाँ वकील हैं आप किसी को इन्वाइट कर सकते हैं तो वो आपको आके लेक्चर दे। लेकिन उनके कोर्सेज़ हैं, वही कोर्सेज हमने करने हैं, उनसे बाहर नहीं जाना। इसी तरह आप ये देखें कि कोई वकील किसी को ये नहीं कहेगा कि आप किसी के ख़िलाफ़ केस करें। फ्रीवलस लिटिगेशन जो है ये भी प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। कोई आ गया है जी, हमने तंग करना है जी, हम तंग कर सकते हैं। गली में किसी ने रुकावट डाली है, आ जाएं जी, हम उसके खिलाफ़ 133 कर देते हैं। आपको कोई ना कहे तो आ जाएं जी, फलां सरकारी मुलाजिम ने ये किया है, उसके खिलाफ़ झूठी दरख्वास्त दे देते हैं। आ जाएं जी, किसी ने मेडिकल गलत करवाया है तो कि वो किसी मुखालिफ को फंसा देते हैं। तो ये इसलिए कि ये हमारी डिग्निटी में लो करेगा, हमें लोअर करेगा। आपका अंदर, आपका अपना सेल्फ इमेज आपको लो करेगा, अंदर से आप बड़े इंसान बने। वकील वही बनेगा जो इंसान भी बड़ा है, और इंसान बड़ा बनने के लिए ही आपको वकील भी बड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए कोई गलत मशवरा, कोई फ्रिवलस लिटिगेशन जो है वो वकील का काम नहीं है कि किसी को कहे वो शुरू कर दे और ऐसे ही फंसाना शुरू कर दे। या कोई लेके किसी के कोई पर नोट लेके किसी का फिर रहा होता है, कोई चेक लेके फिर रहा होता है, हम उनको रोक तो नहीं सकते, हमारी कम्युनिटी है। लेकिन इससे अबहोरेंस होनी चाहिए, इससे एज आ सोशल हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए कि ऐसा काम कोई ना करे, ताकि आपके प्रोफेशन को जिस तरह आप देखना चाहते हैं। देखें, आप लोगों के आइडियल बने, आपको आपके फैमिली आइडियल समझे, आपके बच्चे आइडियल समझे, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको आइडियल समझे। रीज़न ये है कि मुल्क बनाए हैं वकला ने, पाकिस्तान बनाया है, इंडिया में हैं, आप अमेरिका को देख ले, दुनिया के जितने भी मुल्क बने हैं वकला ने बनाए हैं। लेकिन वकला ऊपर गए हैं, उन्होंने ऊपर जाने के लिए अपने आप को बड़ा इंसान किया है। अब जब छोटी हरकतें हम करेंगे तो हम बड़े वकील नहीं बन सकेंगे। इसलिए बड़ा वकील बनने के लिए बड़ा इंसान बनना ज़रूरी है, और बड़े इंसान बनने के लिए बड़ी आदात, बड़े एहतराम होने चाहिए, वकार होना चाहिए। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे हमारे दोस्त नहीं पढ़ते, दोबारा रिपीट करूँगा कि आप लोग लीगल एथिक्स के अलावा सेल्फ हेल्प पे भी बुक्स पढ़ें। सेल्फ हेल्प हमें कोई नहीं पढ़ाता, ना हमें एटिकेट्स कोई पढ़ाता है, ना घर में कोई पढ़ाता है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। ये दुनिया में कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो दुनिया में टॉप पे गया है और उसने सेल्फ हेल्प की किताबें ना पढ़ी। वो रोज़ पढ़ते हैं, कोई एक पढ़ता है, कोई दो पढ़ता है, कोई 10 किताबें पढ़ता है, इसलिए आप उसको भी पढ़ें। इसी तरह वो पहले बता दिया कि आपकी अपनी ज़ाती राय को कतअ नज़र रखते हुए आपने वकील, आपने मुलज़िम का दिफा करना है। अच्छा, अब इस पर जितनी देर हम लगा दें, मैं आपको आज रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब को आप पढ़ के आएँ। आपके पास अगर नहीं है तो ये उर्दू में भी मेरे पास हैं, इंग्लिश में भी मेरे पास हैं, आप सब एक एक फ़ोटो कापी करवा लें, आप पढ़ें, इसको अपने साथ रखें। ये जो लीगल एथिक्स हैं, ये एक दफ़ा पढ़ने से नहीं, इसको आप डाइजेस्ट करें, आपको पता हो हर एक बात का। आपके आपके लेट में नहीं, गेट में भी आ सकता है, इसके पेपर में ये थोड़ा सा है, इसकी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें 10 नंबर तो इसके इसी ये एक चैप्टर से आ जाते हैं। हर सूरत आते हैं कि लीगल एथिक्स आते हैं या नहीं आते, और अगर हमें ये नहीं आते ना तो हम वकालत भी नहीं कर सकते, ये इब्तदा है। आज मैं ये समझता हूँ कि आज हम इसी हद तक रहेंगे, कल हम पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के पे ओवरव्यू पे हम डिस्कस करेंगे कि लीगल सिस्टम है क्या, कहाँ से शुरू होता है, किस तरह शुरू होता है, और फिर इसके बाद हम
पूरे के पूरे कोर्स को एक यहाँ पे लगा के देंगे कि हर तारीख को हर दिन कौन सा होना है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वकला आए या ना आए। आप कोई दो चार बंदे भी आ जाएंगे, हम करेंगे इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, जो पढ़ना चाहे पढ़े, इससे ज़्यादा भी और बारहों के भी पढ़े हैं वो भी पढ़े, आप कंपेयर करें, हमसे बेहतर आपको मिलेंगे, अपने आप को बेहतर करें। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब ने आज टाइम दिया, मेहरबानी की, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आपके आने से। तो अगले लेक्चर जो हैं वो मेरे भाई आसिफ के ज़िम्मे भी लगाऊंगा, जुएब के ज़िम्मे भी लगाऊंगा, जो जो ये चैप्टर जो जो ये जिस जिस चीज़ से भी ये कमांड रखते हैं वो इनकी तरफ से होंगे, और किसी और को भी आप कहते हैं तो उसको भी हम इन्वाइट करेंगे। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया।